आज मैं जब सवेरे सवेरे उठा तो मौसम देख करके मेरा मिजाज काफ़ी ख़राब हो गया था। इसी बीच में एक दोस्त का फ़ोन आया, बोला भाई मेरे यहाँ लगभग आप देख सकते पीछे डैम है, तो डैम के बीच में केज लगा हुआ जिसमें एक सोलर भी लगा हुआ है। तो वो दोस्त ने बोला कि अरे भाई मेरा जो सोलर है वो ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा आ करके देख दो। तो मौसम को देखते हुए, हमारा तो आपको पता ही है जैसे हमने बताया, तो मौसम को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना कि चला जा घूमने के लिए, प्लस क्योंकि डैम के बीच में जाना तो घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो इसी बीच जो है हमारा दोस्त का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो सोलर में जो भी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो पे जो कहीं भी केज में सोलर लगा हुआ होता है, जैसे जहाँ पे मछली पालन होता है वहाँ पे एक सोलर लगा हुआ है लाइट वाइट के लिए, तो उसी में ख़राब हुआ, तो इसी को आज बनाने वाले कैसे बनेगा और कैसे वो मतलब क्या प्रॉब्लम आया उसी चीज़ को आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग स्टीमर से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं उस घर पे, बोट से इसी में बैठ के जाना होगा। देखिए तो देखिए काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसमें, देखिए एकदम पूरा मोटर से चल रहा है नाव, और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोग बैठे हुए हैं। सोनू मजा आ रहा है ना? काफी मजा आ रहा, देखिए लोकेशन पे पहुंच गए, देख सकते हैं हम लोग वहां से चल करके और इस बोट के जरिए पहुंचे हैं। अब यहां पे सामने में 3-4 सोलर लगा हुआ है इस जगह पे, यहां पे देख सकते हैं 1-2-3-4 सोलर लगा हुआ है, जिसमें से इधर का कनेक्शन हमने अभी देखा तो लगभग सब कुछ इधर ठीक ठाक है। तो जो यहाँ का मेरा दोस्त है उसका कहना भाई अंदर से कहीं प्रॉब्लम है, तो चलिए इस रूम के अंदर में, इस केज के रूम के अंदर में चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पूरा मछली पालन वगैरह होते रहता है, तो इसमें रात बिरात का क्या है कि लाइट वगैरह जलाने से यहाँ पे आदमी लोग सोता है, इसके वजह से ये सोलर लगाया जाता है। ऐसे तो जनरली ज़्यादा यहाँ पे लाइट का ज़रूरत भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी ये है सोलर लगा हुआ, तो मोबाइल वोबाइल चार्जिंग कोई रहेगा तो उसके लिए है। तो चलिए अंदर चलते और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते सारा सिस्टम है लगा हुआ है, और जो सोलर का जो कनेक्शन आया हुआ है, सोलर भी बीप का आवाज़ पूरा दे रहा है, यहाँ पे आया हुआ इस जगह पे जो एमसीबी के जरिए। और यहाँ से एमसीबी के बाद ये है एक स्टेटकॉन एनर्जी का ये इन्वर्टर 48 वोल्ट 1 KVA का, प्लस यहाँ पे नीचे बैटरी। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले एमसीबी में वोल्टेज को देख लेते हैं कि आखिर एमसीबी से जो सोलर से वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं, तो उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सारा जो इनपुट वोल्टेज है उसको चेक कर लेते हैं सोलर से जो इस वायर पे आ रहा है। तो इधर से जो दो वायर आया हुआ है ये सोलर का पीवी वायर है, और ये देख रहे हैं ये है बैटरी का कनेक्शन। तो दोनों में देख लेते हैं वोल्टेज स्टेटस। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है 146.44, और बैटरी का जीरो आ रहा है, बैटरी का जीरो आ रहा है, मतलब कि फॉल्ट जो है बिल्कुल सामने है। फॉल्ट आप लोग को पता चल गया, बैटरी में कभी भी इन्वर्टर जो भी होता है हाइब्रिड हो या मतलब कि ऑफ ग्रिड हो, जितने भी प्रकार के ऑफ ग्रिड हाइब्रिड जो बैटरी वाले सिस्टम होते हैं, कभी भी बैटरी में जीरो वोल्टेज नहीं आना चाहिए सिस्टम में, नहीं तो अगर जीरो आया इन्वर्टर भी डेड होगा और प्लस बैटरी तो डेड हो गई। तो आगे चलते हैं क्यों नहीं बैटरी से कनेक्शन आ रहा है, मतलब करंट क्यों नहीं आ रहा है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे बैटरी नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटरी है वो नीचे लगा हुआ है, और जो कनेक्शन है वो आप लोगों को बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कनेक्शन लूज कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इसका भी गलती हो सकता है। तो कोई भी बड़ा सिस्टम होता है उसमें लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नट बोल्ट से कसा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर बैटरी वोल्टेज क्या आ रहा है, पर बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अपने पास ये भी डाटा होना जरूरी है। तो सबसे पहले
पहला बैटल का। यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है कभी भी। अब ये 2 वोल्ट आ रहा है मतलब कि ये बैटरी डेड है। कोई भी बैटरी में 2 वोल्ट आता नहीं है, लेकिन सोलर वाले पे 2 वोल्ट आता है। तो इसका देख लेते हैं वोल्टेज के रेशियो क्या है। 1, 2, 3, 4 48 है ना, देख रहे हो। तो मतलब कि 12 वोल्ट का एक बैटरी है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है हमको बैटरी बिल्कुल डेड हो चुका है, ये खत्म हो गया है। अब ये वाला भी बैटरी देख लेते हैं, ये भी डेड हो चुका है। ये भी वही हाल है। और ये भी डेड हो चुका है। बैटरी पूरी तरह से डीओडी पे चला गया है। डीओडी मतलब पूरा डेड ही हो गया है। सबको खोलो तो, रोबिन खोलो बैटरी, चेक पानी चेक करो। जो प्रॉब्लम देखने को मिला वहाँ पे क्या था कि बैटरी में जो है पानी सूख चुका था, और यहाँ पे थोड़ा लापरवाही भी किया गया इस सिस्टम में, सोलर वाले सिस्टम में। और बैटरी जो है कभी भी बैटरी का जो पानी है वो सूखने नहीं देना है। तो हमने जो है दोस्त से बोला, जाओ भैया मार्केट से तुम बैटरी का पानी लेकर आओ, नहीं हो तो कम से कम लगेगा 10 लीटर पानी। तो जब तक आता है तब तक इधर जो व्यू है काफ़ी अच्छा सा दिख रहा, तो क्यों ना सोचे कि चलो घूम लिया जाए और आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन भी दिखा दिया जाए। कितना आप लोग एक ही चीज़ को देखते रहेंगे बार बार, इलेक्ट्रिसिटी तार वगैरह थोड़ा अलग भी देख लिया जाए बीच बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर जो है वो डैम देखने को मिल रहा है, और इसी डैम के अंदर में यहाँ पे मछली पालन होता है। और यहाँ पे जो मछली पालन होता है ये जो है कहीं ना कहीं सरकार भी मदद करता है इसके लिए, और सब्सिडी वगैरह भी देता है। तो दोस्त को ये चीज़ मिला है और उस पर पालन करता है, और अच्छा खासा इनकम इसमें जनरेट कर लेता है। कोई भी मछली हो, चाहे तेलपिया मछली हो, चाहे रेहू हो, चाहे मांगूर वगैरह, जो भी मछली का नाम आप लोग को जानते होंगे, अगर जानते हैं कौन कौन सा पलाता है, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं, तो आप कमेंट करें। और देख सकते हैं इसके अलावा भी जो है इस डैम में, उधर भी देख सकते हैं उस लोकेशन पर भी बहुत सारा केज है। अभी बादल के वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो डैम है पतरातू डैम इसे कहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है। और इस पानी से बिजली पैदा किया जाता है। आज से 50-60 साल पहले यहाँ पे PTPS करके थर्मल पावर प्लांट था, तो वो करीब 50-60 साल चला, और चलने के बाद वो डेड हो चुका, क्योंकि कोई भी जो होता है प्लांट का एक एक्सपायरी डेट होता है, एक एक्सपायरी टाइम होता है, वो अपना टाइम तक चला और उसके बाद ख़राब हो गया। अभी अभी NTPC लिया है, उधर अभी नहीं दिख रहा होगा, कभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो NTPC अभी वहाँ पे लिया, और NTPC जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो है जनरेट करेगा, और इसी पानी से जनरेट करेगा, इसी डैम से करेगा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी समय से रहते हैं, लगभग हमारा भी जो है इस लोकेशन पे करीब 8-10 साल हमारा हो चुका है रहते रहते, मतलब 8-10 साल से यहाँ रह रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे दोस्त लोग भी हमारा बन चुका है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुआ है हमारा, उसी से बना हुआ एक दोस्त है, जिसमें यहाँ पे हमको बुलाया कि भैया यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, तो चलो यार देख लो। तो देखिए कभी भी जो है जो भी दोस्त लोग का प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो कभी काल दोस्त लोग के साथ साथ भी रहना चाहिए। थोड़ा लाइफ में जो है वो अलग एक जो है मतलब कि खुशी मिलता है दोस्त लोग के साथ बिताने में, टाइम में। पैसा का मामला जो है अलग जगह है, क्योंकि ऐसे तो हम फ्री में कहीं जाते नहीं, कोई भी काम होता है, लेकिन दोस्त है, दोस्त को जो है वो उसे भी लगना चाहिए भैया नहीं, जो भी कहता है या कोई भी हमारा दिक्कत होता है तो आ करके कम से कम देख देता है। तो इसी इसी से जो है रिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है दोस्त के बीच में। कहीं ना कहीं ये सब को जो है इग्नोर करते हुए अपना दोस्ती को आगे रखना चाहिए। तो अभी देखते हैं कब तक वो बैटरी लाता है, बैटरी का पानी। तो बैटरी का पानी लाता है, उसके बाद उसमें देखते हैं कि वो जो बैटरी है वो जिंदा होता है कि नहीं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं अगल बगल और भी बीच बीच में आपको कुछ दिखाते रहते हैं, दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी वाला पानी आ चुका है। अब इसको जो है बैटरी में फिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी जो है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका था। हमने क्या किया है ये देख सकते हैं, साइड से तार हमने बूस्ट चार्जिंग के लिए जोड़ा हुआ है,
तो ये जो तार आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में, ये डायरेक्ट सोलर से दे रहे, डायरेक्ट सोलर से, सोलर जो है एक 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 सोलर का जो वोल्टेज है वो 38 वोल्ट है, तो दो सोलर हमने सीरीज कर दिया और वहीं से तार जो है लेकर के आया हूँ, तो वो करीब करीब जो दोनों सोलर का वोल्टेज बना करके 60-70 वोल्ट होगा, तो वही वाला जो है यहाँ पे डायरेक्ट तार से जो है, जो डायरेक्ट सोलर से आते हुए बैटरी में दिया है, क्योंकि बैटरी जो है वो पूरी तरह से डेड हो चुका है, और पूरी तरह से जब बैटरी डेड होता है तो उसको चार्ज करने के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो बैटरी का वोल्टेज अभी आएगा वो आपको हम सामने दिखाते हैं टोटली, देख सकते हैं आपका ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो देख सकते हैं 53 वोल्ट के करीब आ रहा है, तो 53 वोल्ट अभी देखते हैं बैटरी जो है वो चार्ज होता है कि नहीं। सिंगल बैटरी पे देख सकते हैं 13 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 12-13 वोल्ट, और इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि जो बैटरी में वोल्टेज आ रहा था वो 2 वोल्ट के करीब आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार सोलर को, यहाँ पे चार सोलर लगा हुआ जिसमें से बीच वाला दोनों सोलर को हमने बैटरी के साथ डायरेक्ट जोड़ा हुआ सिर्फ अभी चार्जिंग के लिए, ये ऑर्डिनरी कनेक्शन है क्योंकि अभी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है और हम लोग बीच डैम में खड़ा है, यहाँ पे लाइन से चार्ज करने का कोई सुविधा नहीं है, जिसके वजह से जो है वो दो सोलर को हमने सीरीज किया और दोनों सोलर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने डायरेक्ट बैटरी पे दिया नेगेटिव पॉजिटिव। तो कभी इमरजेंसी में हम लोग ऐसे भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वो बहुत ही वो रेयर केस में, यहाँ पे कोई दूसरा कुछ है नहीं उपाय जो कि हम लोग दिमाग लगाए, तो यही एक लास्ट उपाय बचता है कि ये जो सोलर से डायरेक्ट एनर्जी को लेकर के बैटरी में डालना नेगेटिव और पॉजिटिव तार मिला करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे MC4 कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ, और इन दोनों के बीच में सीरीज पे ये दोनों कनेक्शन जुटा हुआ है। तो अब देखते हैं कि चार्ज होता है कि नहीं, आगे आपको हम बताते हैं। तो लगभग 3-4 घंटा हमने बैटरी को जो है वो बूस्ट चार्जिंग पे लगा रखा था सोलर के थ्रू, तो अब यहाँ पे लास्ट में वोल्टेज देख लेते हैं क्या बता रहा है। तो वोल्टेज करीब 50 वोल्ट के करीब आ चुका है, मतलब कि बैटरी वो चार्ज हो गया। अब सारे सेटअप को स्टैंड बाई पे छोड़ देंगे, मतलब कि कनेक्शन करके, और अभी छोड़ देंगे 2-3 दिन बाद जब अच्छे से लाइट और धूप आएगा, अभी देख सकते हैं बाहर धूप भी नहीं है, तो जब भी धूप आएगा उसको सोलर को चालू कर लिया जाएगा और सोलर जो है बैटरी, हालांकि बैकअप तो कम हो जाएगा बैटरी का क्योंकि बैटरी थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है, 1-2 घंटा अगर बैकअप रहे तो। यहाँ पे सारा सेटअप हो गया है और इन्वर्टर को चालू करके देखते हैं कि बैटरी हमारा बैकअप दे पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओके है और हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है, तो अभी सिस्टम को अभी बंद कर देते हैं क्योंकि बैटरी उतना अभी अच्छे से चार्ज नहीं हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।